हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो बहुत ही नज़दीक है, तो ऐसे में आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका फिजिकल प्रोसेस है उसमें क्या क्या होगा, कौन कौन से इवेंट होंगे और उनके कुछ टिप्स भी आपको यहाँ पर देना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट है कि कितने नंबर वाले बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्जाम की तैयारी, इस फिजिकल की तैयारी शुरू भी नहीं की है, क्योंकि उनको लगता है कि नंबर कम है, फिर आंसर क्या आएगी, आंसर के बाद फिर वो वेट करेंगे रिजल्ट का ही कि रिजल्ट में नाम आएगा तो ही फिजिकल स्टार्ट होगा। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे जिनको ये श्योर है कि उनका नंबर नहीं आएगा, रहते हैं बीच वाले, यानी जो बॉर्डर लाइन पे हैं कि जिनको लगता है कि हाँ मेरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि वो फिजिकल की तैयारी ही तब करते हैं जब रिजल्ट आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे में आपसे कहना चाहूंगा सबसे बड़ा नुकसान आप यही कर रहे हैं। और मोटे मोटे अगर तौर पर देखा जाए तो अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर आपके 62 से 63 नंबर जुड़ रहे हैं, सारे नंबर काट कूट के नेगेटिव मार्किंग सब कुछ मिलाकर अगर 62 नंबर विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर आपके जुड़ रहे हैं जनरल कैंडिडेट, तो आपको डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आने वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो आप 2-2 नंबर उसमें घटा सकते हैं। ठीक है, वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर आप 55 से 57 के आसपास हैं जनरल कैंडिडेट में, तो आप फिजिकल की तैयारी डेफिनेटली आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 70,000 लोगों में से 5,846 पदों को फिल करना है दोस्तों। ऐसे में फिजिकल यहां पे बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारे बच्चे यहां पे फिजिकल में ही निकलने वाले हैं। हो सकता है 70,000 से भी ज्यादा बच्चे यहां पर पास कर ले जाए, 80,000 पास कर ले जाए, क्योंकि फिजिकल में ही सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि जिनको लगता है कि 62 से 65 के बीच में मेरा स्कोर हो रहा है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, और फीमेल की बात करें तो 52 से 57 या 52 से 55 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आपको फिजिकल की शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कल को रिजल्ट नहीं भी आता है, आप फेल हो जाते हो, तो फिजिकल कभी खराब थोड़ी जाता है, आपकी सेहत के ऊपर ही तो है वो। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपने शुरू नहीं किया तो फिर देर हो जाएगी दोस्तों, और फिर आपको टाइम कम मिलेगा और आप पीछे रह जाएंगे इस भर्ती में। इसलिए सजेशन यही है कि फिजिकल की आपको तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों। तो जितने बच्चे यहां पे मेरिट लिस्ट में आएंगे दोस्तों, कई बच्चों के मन में डाउट है कि एक फाइनल लिस्ट और बनेगी दोस्तों, लेकिन फाइनल लिस्ट तब बनेगी जब बच्चे ज्यादा रहेंगे। मान लीजिए 70,000 लोगों में से 20-25,000 लोगों ने फिजिकल कर दिया, तब एक और लिस्ट निकलेगी। अगर यहां पे जो संभावनाएं है बहुत ही कम है, जिस बच्चे ने यहां पे रिटर्न एग्जाम यानी 28 लाख, वैसे तो 15 लाख अपीयर हुए हैं, 15 लाख में से अगर आप 70,000 में आ जाते हैं, अगर आपका नाम आ जाता है और अगर आपने फिजिकल कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन यहां पर श्योर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो जो मेन चीज है वो ये है कि आपको फिजिकल की तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले जैसे आप जाएंगे फिजिकल देने के लिए, तो वहां पे सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड और आपकी आईडी के साथ आपको एंट्री मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, आपको ग्रुप्स बनाए जाएंगे आपके। सबसे पहला जो इवेंट होता है वो रनिंग होता है दोस्तों। रनिंग की बात करें दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों को ही 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी है। लेकिन टाइम की बात करें तो मेल के लिए यहां पे 6 मिनट है, जबकि फीमेल के लिए यहां पे 8 से 9 मिनट है, लगभग 8 मिनट। सबसे पहले यहां पे रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, 1600 मीटर रेस है, आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। देखने में 1600 मीटर बहुत ही आसान रेस नजर आती है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो भी 6 मिनट में करना मेल कैंडिडेट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, और फीमेल कैंडिडेट का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें भी करना मुश्किल होता है दोस्तों। तो फिजिकल की जो रनिंग की तैयारी है आपको करनी कैसी है कि अभी आपको लंबा दौड़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं यार, 1600 मीटर ही का ही फिजिकल देना है तो 1600 मीटर की ही वो प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ज्यादा दौड़ना है। आप 2400 दौड़ सकते हैं, आप 3000 दौड़ सकते हैं, आप 4000 5000 यानी 5000 मीटर आपको डेली रनिंग करनी चाहिए, ताकि आपके जो पैर हैं वो अच्छे से जम जाए और अच्छा सा मजबूती उसमें आ जाए दोस्तों। फिर 1600 मीटर, क्योंकि कई बार होता क्या है दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार किसी भर्ती का फिजिकल देने जाएंगे दोस्तों, और वहां पे जब आप भीड़ भड़ाका देखोगे तो आपके पैर हैं वो वैसे ही फूल जाएंगे दोस्तों। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ऐसी कठिनाइयों का सामना आपको ना करना पड़े, पूरे साल की जो आपने मेहनत की है रिटर्न एग्जाम को पास करने में जो मेहनत की है वो खराब ना जाए, तो फिजिकल को भी पूरे दिल और जान से आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अगर 1600 मीटर की रेस है तो आपको थोड़ा सा
लंबा दौड़ना पड़ेगा दोस्तों, ताकि जब फिजिकल देने जाओ तो वहां पे पैर ना भरे, आप घबराए ना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप कम दौड़ोगे तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम वही होगी दोस्तों, ठीक है, आप दौड़ ही नहीं पाओगे। कई बच्चे तो ऐसे रहेंगे जिनकी पहली भर्ती है 400, 500, 600 मीटर दौड़ के वो बैठ जाएंगे दोस्तों। आप खुद वहां पर फेस करोगे कि दौड़ा भी नहीं जा रहा है बच्चों से, ठीक है। और ज्यादातर वो रहेंगे जो फिजिकल की तैयारी 20 दिन पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आज से फिजिकल की स्टार्ट आप कर दीजिए। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे जो रनिंग की बात करें तो यहाँ पे 70 से 100 के बीच में ग्रुप बनता है दोस्तों, 60 70 80 लोगों का एक ग्रुप बनता है, ग्रुप में आपको दौड़ाया जाता है दोस्तों। वैसे अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 70,000 कैंडिडेट्स का जो फिजिकल है मात्र 2 सप्ताह में लिया जा सकता है, और डिपेंड करता है कि दिल्ली पुलिस कितने ग्राउंड्स में फिजिकल लेने वाली है। मान लीजिए अगर 5 ग्राउंड भी दिल्ली पुलिस तैयार करती है और दिन के 1,000 बच्चे भी एक ग्राउंड में बुलाए जाते हैं, तो आप दिन के 5,000 लोगों का फिजिकल लिया जाएगा, यानी 2 सप्ताह में आपके फिजिकल हो कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो जिन बच्चों को लगता है कि रिटर्न एग्जाम के बाद मैं तैयारी करूंगा तो टाइम आपके पास बहुत ही कम रहेगा दोस्तों, इसलिए तैयारी आज से कर दीजिए। जो बच्चे रनिंग में क्वालिफाई करेंगे दोस्तों उनको फिर थोड़ी देर आराम किया जाएगा, उसके बाद दूसरे इवेंट के लिए लेके जाया जाएगा। और दूसरा जो इवेंट है वो है आपका 14 फुट का लॉन्ग जंप। जी हाँ दोस्तों, मेल कैंडिडेट 14 फुट है, फीमेल कैंडिडेट 10 फुट का यहां पे लॉन्ग जंप आपको पार करना होगा, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट के लिए सबसे हार्ड इवेंट माना जाता है दोस्तों। 14 फुट का लॉन्ग जंप इतना आसान नहीं है। नॉर्मली हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करते हैं, SSJD की तैयारी करते हैं, तो वहां पे 12 फुट आपका इवेंट रहता है, यहां पे 14 फुट है, यानी पूरे 2 फुट आपको ज्यादा कूदना है यहां पे, और वो भी केवल 3 चांस में दोस्तों। अब बात आती है कि दोस्तों लॉन्ग जंप की तैयारी कैसे करें, यानी क्या टिप्स यहां पे हो सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, लॉन्ग जंप की तैयारी आपको फिजिकल जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको स्टार्ट करनी, अभी आपको लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जिनका वजन ज्यादा है, जो ओवरवेट है, उनसे मैं कहना चाहूंगा वजन अपना कम कर लीजिए। इस प्रकार से कर लीजिए कि बंदर की तरह आपका शरीर उछलता जाए दोस्तों, ठीक है। अगर शरीर आपका भारी रहेगा, आप अगर ओवरवेट रहेंगे तो आप हाई जंप लॉन्ग जंप कर ही नहीं सकते दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने वेट पर ध्यान देना है। तो सजेशन मेरा यही है कि आपको पहले महीने, जैसे मान लीजिए आज से आप तैयारी कर रहे हो, तो दिसंबर और आधी जनवरी 15 जनवरी तक आपको केवल रनिंग पर ध्यान देना है। अच्छे तरीके से दौड़िए, लंबा दौड़िए दोस्तों, ताकि अपना शरीर है वो मेंटेनेंस में आ सके, बढ़िया सी बॉडी आपकी बन जाए, ताकि आपको कूदने हाई जंप लॉन्ग जंप में कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। लॉन्ग जंप और हाई जंप को कूदने का यानी पार करने का इस इवेंट का एक ही टिप्स है कि आपका जो वजन है वो बिल्कुल कम होना चाहिए, यानी इतना वजन होना चाहिए कि आपके, आपने देखा होगा कि जब ट्रेनिंग होती है तो रस्सा कस्सी भी होती है, रस्सा चढ़ना पड़ता है, ठीक है, बंदर मंकी रूप है तो उनमें चढ़ने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा वेट ही होता है। अगर वजन ज्यादा है तो कोई बच्चा चढ़ ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए सेम चीजें यहां पे होती हैं, हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपको अपना वेट है वो कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा, और वेट को कंट्रोल में लाने का एक ही तरीका है, लंबा दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका वेट, जिम नहीं करना है, जिम मत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। जो भी हमारी देश से प्रैक्टिस होती है वही आपको करनी है, जिम जो में जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाई जंप के बाद दोस्तों, हाई जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे, मेल फीमेल दोनों को दोस्तों। फिर उसके बाद आपका हाई जंप होता है दोस्तों, जो कि मेल के लिए 4.25 फुट है, 3 फुट 9 इंच का, फीमेल के लिए 3 फुट का है दोस्तों, उसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। उसके लिए भी सेम सजेशन है कि जब आपका फिजिकल रिजल्ट आ जाता है रिटर्न एग्जाम का, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी फिजिकल से 15 से 20 दिन पहले आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है जंप की। अभी अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो कहीं लग लुक जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आप रनिंग पे ध्यान दीजिए, आपका वेट है उसको कंट्रोल में लेके आए दोस्तों, ठीक है। तो हाई जंप के बाद क्या होगा दोस्तों, आपको हाइट चेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो हाइट की बात करें, मेल कैंडिडेट जनरल 170 सेंटीमीटर, ST कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट, और ST के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों। जैसे ही आप हाइट में क्वालिफाई होते हैं तो आपको चेस्ट के लिए सीधा इनवाइट कर लिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए नोट अप्लीकेबल है, मेल कैंडिडेट 86 से 85 जनरल कैंडिडेट जनरल OBC, ST की बात करें तो 76 से 80 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों। और मान के चलिए जिस बच्चे ने फिजिकल वहां पे क्वालिफाई कर दिया बिना किसी दिक्कत के, उसका सिलेक्शन यहां पे पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 70,000 में 5,000 बच्चे भी यहां पे फिजिकल कर पाएंगे बहुत ही मुश्किल। आप खुद देखेंगे कि 60-70 का बैच बनेगा रनिंग के लिए, कोई 5-7 बच्चे होंगे, 10 बच्चे रहेंगे जो रनिंग को क्लियर करेंगे। एक बैच की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 60 बच्चों का मान लीजिए बैच बनता है, तो 60 में से 10 या 12 बच्चे ऐसे होंगे जो रनिंग कर पाएंगे।
आप खुद देखो, चलो 20 मान लेते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है, आपने SSGD में देखा होगा, बहुत सारी वैकेंसियों में आपने देखा होगा, जनरली 12 से 15 ही बच्चे कर पाते हैं रनिंग दोस्तों, क्योंकि हार्ड रनिंग है, 6 मिनट में आपको 1600 मीटर पार करना है, ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, दिखने में आसान है लेकिन बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। अब बच गए 15 बच्चे, 15 बच्चों में से कम 5 या 7 बच्चे ऐसे होंगे जो लॉन्ग जंप में निकल जाएंगे। बच गए कितने? 7-8 बच गए। 7-8 में से 3-4 बच्चे ऐसे रहेंगे जो हाई जंप में निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बच गए 3-4, 3-4 में से एक बच्चा ऐसा होगा जो हाइट में या चेस्ट में कहीं ना कहीं मार खा जाएगा, यानी एक बैच 60 बच्चों का अगर बैच है तो मुश्किल से 3 से 4 बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। तो ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हैं कि कितने बच्चे यहां पर क्वालिफाई करने वाले हैं मैक्सिमम अगर देखा जाए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे फिर से मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा, फिजिकल आप देखो, आपने रिटर्न के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की, 4 महीने तैयारी की, 6 महीने तैयारी की, 1 साल तैयारी की, आपने ऑफलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, पेड पढ़ा, फ्री पढ़ा, जैसे तैसे आपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी की, अब अपने सपने को धूमिल ना होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिजिकल में रह जाए और फिर आपका सपना अधूरा रह जाए। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा दौड़िए, धीरे धीरे आपका रूटीन बन जाएगा, फिर आप लंबा दौड़ना स्टार्ट कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिजल्ट आ जाए या आपका नाम भी आ जाए, फिर आप सोचते रहो यार फिजिकल में स्टार्ट कर लेता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए फिजिकल शुरू कर दीजिए दोस्तों, यही टाइम है। देखो सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में दौड़ने में भी मजा आता है, गर्मियों में तो यार वैसे पसीना पसीना हो जाता है, गर्मियों सर्दियों में क्या होता है, ठंड होती है, जितना ज्यादा दौड़ोगे उतना ही ज्यादा पसीना आएगा और उतना ही ज्यादा आपको दौड़ने में मजा आएगा। और खुराक जो होती है ना, खाना पीना, वो भी सर्दियों में लगता है दोस्तों। तो जम के दौड़िए, जम के खाइए, जम के पिए दूध दोस्तों, ठीक है, और आपका बॉडी अपने आप ही नजर आने लग जाएगा और फिजिकल तो फिर अपने आप ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।